ये बरही में हाल ही में एक व्यक्ति की हत्या का मामला प्रकाश में आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कल सुबह एक महिला थाने उपस्थित आई जिन्होंने बताया कि उनके पति की मृत्यु हो गई है और उनके पति को रात में गांव के ही 3 लोगों द्वारा मारपीट की गई है। तत्काल ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर संदेहियों को 1 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए थाने लाया गया। संदेहियों से पूछताछ, गाँव वालों से पूछताछ और पत्नी के कथनों के आधार पर यह तथ्य सामने आए कि मृतक दुर्गेश को रात्रि में गांव के ही 3 लोगों द्वारा रास्ता रोककर लगभग रात्रि 12:30 से 1 के बीच में उसके साथ डंडे, लाल घूसों से और बेल्ट से मारपीट की गई और मारपीट कर उसे वहीं छोड़ दिया गया। तत्काल चूंकि रात्रि बहुत ही अंधेरा था, गांव वालों को कुछ संदेह हुआ तो गांव वालों ने उसकी पत्नी को बुलाकर बताया और दुर्गेश बहुत ही बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था जिसे तत्काल गांव वालों और पत्नी के द्वारा अस्पताल लाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार उसे दिया गया और बैतूल रिफर किया गया। रिफर होने के बाद दुर्गेश की हालत बहुत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। ये तथ्य भी सामने आए हैं कि जो आरोपी है वो दुर्गेश के रिश्तेदार ही है और इनकी उससे पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश के कारण इन्होंने उसको उसके साथ मारपीट की और उसकी निर्मम हत्या हो गई। मैडम, इसमें ये जनचर्चा रही कि उस ग्राम में कोई हिरण का शिकार किया गया था जिसके हिस्से को लेकर विवाद हुआ, इसके बारे में क्या कहना है मैडम? उसी शाम को दुर्गेश द्वारा डायल 100 पर एक इवेंट दिया गया था कि गांव में ऐसी कोई वारदात हो रही है जिस पर डायल 100 तत्काल रवाना हुई थी और गांव में तस्दीक की थी, परंतु तस्दीक के दौरान गांव वालों से पूछताछ के दौरान डायल 100 को ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आएंगे। दोनों ही पक्ष थाने आए और उनका समन्वय होकर वो वापस चले गए थे और ऐसी कोई वारदात गाँव वालों के द्वारा भी हमें नहीं बताई गई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? उक्त प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।